अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरियम वेलकम टू ओरियन सिक्योरिटी शॉप। आज की हमारी जो प्रोडक्ट है वो आउटडोर बुलेट कैमरा 720p 1 मेगापिक्सल V380 प्रो एप्लीकेशन पे चलता है। ये हमारी नई प्रोडक्शन आई है, न्यू लॉट आई है, क्योंकि इससे पहले जो कैमरा आ रहा था उसकी पैकिंग चेंज थी, और इसलिए वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो न्यू पैकिंग आई है उसके साथ वीडियो बनाई जाए और कुछ मज़ीद फीचर्स भी डिस्कस किए जाएँ जो एप्लीकेशन के हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस बार डिफरेंट बॉक्स में आया है, प्रोडक्ट सेम वही है जो हम ऑलरेडी सेल करते रहे हैं, फंक्शनल फीचर्स सब वही है, शेप भी वही है। आप देख सकते हैं ये इसकी शेप है, ये इसका हाईटेक का लोगो जो हमारा ब्रांड है हाईटेक, ये इसका सीरियल नंबर जो साइड पे लिखा होता है। ये दो इसके एंटीनास हैं, इन दो में से सिर्फ एक वर्क कर रहा होता है, दोनों वर्क नहीं करते हैं। आई थिंक ये वाली साइड वाला है, मतलब राइट साइड वाला लेफ्ट है। और ये 1 मेगापिक्सल है, इसमें स्टैंड लगाने की दो ऑप्शन होती हैं, एक आप इस जगह पर भी लगा सकते हैं स्टैंड, और एक आप इन दोनों में किसी एक जगह पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने स्टैंड और अडाप्टर अलग से रखा हुआ है, क्योंकि स्टैंड और अडाप्टर साथ नहीं आते हैं, कस्टमर के लिए पैकेज बनाते हैं पूरा जिसमें ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। आप ये स्टैंड इसके इधर नीचे भी लगा सकते हैं और इसकी बैक पे भी लगा सकते हैं। कुछ कस्टमर्स को स्टैंड लगाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको समझ नहीं आती कैसे लगाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। आपने इसको ऐसे रोल करके नीचे करना है ताकि इसकी टिप जो है वो ऊपर आ सके। उसके बाद आप इसको इन दोनों में से किसी एक सुराख में भी लगा सकते हैं, इस तरह रोल करके। रोल करने के बाद ये टाइट हो जाएगा, टाइट होने के बाद आप इसको यहाँ से भी टाइट करें और अपनी मर्ज़ी की जगह पे आप इसको अप डाउन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी आपने इसको टाइट करना है और यहाँ से तो मैंने टाइट करें, ये आपको फ़िक्स करने में मदद देगा। तो एक तो ये हो गया, इसको आपने स्टैंड पे फिक्स कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको। अब आपको इसके डिफरेंट फीचर्स बता देते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि ये ड्यूअल नाइट विजन है, मतलब ये अंधेरे में भी आपको कलर नाइट विजन दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक एंड वाइट पे जाता है, इसमें ये जो चार येलो लाइट्स हैं ये वार्म लाइट्स होती हैं, ये अंधेरे में चली जाती हैं और कलर नाइट विजन पे शिफ्ट हो जाती हैं। ये दो इंफ्रारेड हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट पे कैमरे को शिफ्ट करती हैं। आप इस तरफ आ जाएँ, इस तरफ इसकी तीन पोर्ट्स हैं, एक में आप पावर लगा सकते हैं, दूसरा आप इसका रीसेट बटन है, ये रीसेट बटन पावर ऑन मोड में 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें तो कैमरा रीसेट हो जाता है। और तीसरी इसके साथ ईथरनेट पोर्ट है। ईथरनेट पोर्ट का मकसद है कि अगर आपका वाईफाई दूर है, वाईफाई के सिग्नल नहीं पहुंच रहे कैमरे तक, तो आप इसको इंटरनेट की वायर लगा के भी अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया जी कैमरा। और इसका मेमोरी कार्ड लगाने की जगह इसकी नीचे वाली साइड पर है, ये जो आप चार स्क्रू देख रहे हैं, इन चार स्क्रू को ओपन करेंगे हम और आप यहाँ पे SD कार्ड लगाने की जगह मिलेगी। वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा कि आप देख सकते हैं TF कार्ड की भी ऑप्शन यहाँ पे लिखी आ रही है। तो चलिए जी, साथ इसके जो आता है वो मैंने आपको बता दिया कि एक हम स्टैंड अरेंज करते हैं, ये स्टैंड आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम एक अडाप्टर अरेंज करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और अडाप्टर की शेप डिफरेंट हो सकती है, वो आपने फिकर नहीं करनी, क्योंकि ये लॉट वाले अडाप्टर होते हैं यूज्ड जो हम अपने कस्टमर्स के अरेंज करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होते हैं। साथ इसके स्क्रू होंगे, तो ये पूरा पैकेज बना के हम अपने कस्टमर को देते हैं ताकि उन्हें कोई भी चीज़ अलग से ना बाई करनी पड़े। चलिए ये तो होगी अनबॉक्सिंग, अब हम इसको मोबाइल में कैसे ऐड करना है उसका तरीका देख लेते हैं। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग हमने कर ली, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने मेमोरी कार्ड किस जगह पर डालना है और कैसे डालना है
और मेमोरी कार्ड डालते हुए आपने क्या प्रिकॉशन जहन में रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने इसमें ओरिजिनल क्लास 10 मेमोरी कार्ड डालना है। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप किंगस्टन का डालें। आप देख सकते हैं कैनवस सेलेक्ट प्लस 32 GB 100 MB इसकी रीड स्पीड है, और ये इसका पीछे से मेन्यू है जो इस पर स्टिकर लगा होता है, इनका लोगो लगा होता है। ओरिजिनल क्लास 10 डालना, आपने कॉपी नहीं डालनी। किंगस्टन का डाल लें, लेक्सर का डाल लें, सैंडिस्क डाल लें। सैमसंग का कार्ड आपने नहीं डालना, क्योंकि सैमसंग 99% कॉपी आता है यहाँ पे। अनलेस आप 100% श्योर हैं कि ये ओरिजिनल है, तो फिर ही आप सैमसंग का कार्ड डालें इसमें। ओरिजिनल क्लास 10 होना चाहिए, और इसकी कैपेसिटी होती है 128 GB। मतलब आप इसमें 128 GB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। 32 GB का मेमोरी कार्ड 7 डेज रिकॉर्ड करता है, 64 GB का मेमोरी कार्ड जो है वो 14 डेज रिकॉर्ड करेगा, और 128 GB का मेमोरी कार्ड जो है वो 130 डेज रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं, आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि मेमोरी कार्ड आपने कहाँ पे लगाना है इसका। फिर मैं इसको हैंग करके इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा, और एप्लीकेशन में ऐड करने का तरीका भी। तो चलिए जी, आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये 4 स्क्रूज़ आपने ओपन करने हैं इनके, और 4 स्क्रूज़ ओपन करने के बाद एक इसमें मेमोरी कार्ड मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। उसमें भी एक एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि जो एसडी कार्ड स्लॉट है वो थोड़ी डीप होती है, वहाँ तक फिंगर जो है वो पहुँच तो जाती हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड हाथ से स्लिप होने का ख़तरा रहता है। तो ये आपने एहतियात करनी है कि जब आप मेमोरी कार्ड लगा रहे हों, बड़ी एहतियात से उसमें फ़िक्स करना है। यहाँ तो आप कोई ट्यूज़र पकड़ लें, अगर हाथ से भी लगाएंगे तो एहतियात से आपने उसमें लगाना है, ताकि मेमोरी कार्ड बीच में ना गिर जाए। और ये अंदर रखने की वजह यही है कि ये वेदर प्रूफ कैमरा है, इसको पानी से बचाना होता है, इसलिए इसको इतना डीप रखा गया था कि पानी से ये अफेक्ट ना हो। इसको आप किसी ट्यूज़र से या टेस्टर से ऊपर कर लें, या हाथ से भी हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं मेमोरी कार्ड लगा के दिखाता हूँ। इसमें आप ये देख सकते हैं मेमोरी कार्ड स्लॉट थोड़ी डीप है इसके अंदर। जब आपने इसको इस तरह उल्टा रखा होगा, तो ये जो चिप वाली साइड है ये ऐसे आपके फेस की तरफ हो, और ये डायरेक्शन आपने इधर रखनी है। और उसके बाद आपने इसको लगाते हुए ये एहतियात करनी है कि ये आपके हाथ से स्लिप ना हो जाए, जैसे कि अभी होने लगा था। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, और इसको एक बार आपने प्रेस करना है। जब आपको टिक की आवाज़ आ जाए, फिर आपने इसको छोड़ना है। अब हम इसको, ये इसके पीछे इसका माइक और स्पीकर लगा हुआ है, इसको अब हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आपको हैंग करके तो कनेक्ट करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स, मैं कैमरा हैंग कर चुका हूँ, ऑन भी कर लिया है। अब मैं आपको मोबाइल में ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने V380 Pro एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, अगर नहीं की तो। उसके बाद इसको लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये सीधा सीधा लॉगिन लिखा आ रहा है, और एक रजिस्टर लिखा हुआ है। आईडी रजिस्टर करने का तरीका मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बताया तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप ऊपर आई के निशान पर क्लिक करके आईडी रजिस्टर करने का तरीका देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो। अब इसको लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये लॉगिन लिखा आ रहा है, और एक लिखा हुआ है ट्राई विदाउट एन अकाउंट। ट्राई विदाउट एन अकाउंट में अगर आप ऐड करेंगे तो आप फिर किसी दूसरे को शेयर नहीं कर सकेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे इसको शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप आईडी रजिस्टर कर लें और फिर लॉगिन करें। आईडी रजिस्टर करने के लिए आपने अपना ईमेल आईडी यूज़ करनी है। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर की हुई है, तो मैं लोगो ले जाइए, मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो आपने अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग्स में जाना है। अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग्स में जाकर आपको MV के नाम से ये हॉटस्पॉट शो हो रहा होगा, 5759 आपका जो भी होगा उसको आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद ये आपको हो सकता है कि इंटरनेट मे नॉट बी अवेलेबल, कंटिन्यू और डिसकनेक्ट, तो आपने डिसकनेक्ट नहीं करना है। इसको डिसकनेक्ट कर देंगे तो फिर कैमरा ऐड नहीं होगा।
कनेक्टेड और नो इंटरनेट एक्सेस लिखा आ रहा है, दैट्स फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। नो इंटरनेट एक्सेस का मतलब है कि इस हॉटस्पॉट में इंटरनेट कोई नहीं चलेगा, तो हमने इंटरनेट चलाना भी नहीं, हमने कैमरा कनेक्ट करना है। तो ये मेक श्योर करना है, सुनाना आपने आपका मोबाइल डाटा ऑफ होना चाहिए और आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आपने एप्लीकेशन में वापस जाना है, एप्लीकेशन में वापस जाके सिंपली आपने एक बार उसको रिफ्रेश करना है और आपको नीचे आइकन शो कर देगा ऐड डिवाइस का, कि आपको उसे एक फाउंड डिवाइस फाउंड हुई है कि आप उसको ऐड करना चाहते हैं। आपने ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है, ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये आइकन ऐसे बना आएगा, उसमें आप प्ले पे बटन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम आपसे कहेगा कि आप अपना पासवर्ड एंटर करें, सेट पासवर्ड करें। यूज़र नेम हमेशा एडमिन ही रहेगा, यूज़र नेम को आपने नहीं छेड़ना। पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी रखना है, हम एडमिन 123 इसको रख लेते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करना। पासवर्ड दोनों आपने देखना है कि मैच होना चाहिए, कोई गलती होगी तो आगे कन्फर्म नहीं करेगा। अब आपसे कह रहा है कि क्या आप यहीं से कैमरे को इंटरनेट से पेयर करना चाहते हैं या फिलहाल इंटरनेट के बगैर देखना चाहते हैं। तो अभी मैं चूँकि आपको इंटरनेट से बगैर चलाने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैं ओनली फॉर एपी पे क्लिक करूँगा। ओनली फॉर एपी पे क्लिक करूँगा तो कैमरे का व्यू आपको शो कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये सामने कैमरे का व्यू चल रहा है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एसडी पर आता है, अगर मैं इसको एचडी पे क्लिक करूँगा तो इसका रिजल्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट है और ये 1 मेगापिक्सल 720p एचडी है। यहाँ से आप इसका लाइव साउंड सुन सकते हैं, कोई भी अगर कैमरे के आगे बोल रहा होगा तो आपको मोबाइल में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप इसको ऑफ करने के अलावा, ये इसका माइक है, माइक को क्लिक करके हेलो कैमरे में से भी आप अपनी आवाज़ भेज सकते हैं। ये स्नैपशॉट का फंक्शन है, स्नैपशॉट का मतलब है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में सेव कर देगा। रिकॉर्ड का मतलब है कि आप लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, चाहे आपने एसडी कार्ड लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड जो वीडियो क्लिप है ये 10 मिनट का रिकॉर्ड करता है, उसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो इसका 7 फंक्शन है ये रीप्ले है, यहाँ से आप अपने एसडी कार्ड की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद ये मोर का फंक्शन है, मोर में इन्वर्शन है, इन्वर्शन का मतलब है कि अगर आपने कैमरा सीलिंग में लगाया है तो व्यू उल्टा आएगा, उसको सीधा करने के लिए आप इन्वर्शन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लाइट कंट्रोल है, लाइट कंट्रोल इस वक्त ही ऑटो पर है, ऑटो का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट पे जाएगा और अगर इसके आगे कोई मूवमेंट होगी तो ये कलर पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको मैन्युअली ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ये तो ये हो कि इसके लाइव मोड में जो जो फंक्शंस हैं उसके मैंने आपको बता दिए हैं। ये 4 बॉक्सेस का मतलब है कि आप 4 कैमरे एट ए टाइम भी देख सकते हैं। इस वक्त चूँकि एक चल रहा है तो एक ही व्यू आपको शो करेगा। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसकी आपने सेटिंग कैसे, मेमोरी कार्ड की सेटिंग कैसे करनी है। इसमें आपने कार्ड तो लगा दिया लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मोशन रिकॉर्ड ऑन होती है। मेरे बहुत से कस्टमर्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि जी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ऑन होती, कुछ देर के लिए उसमें सेव रहती है, कुछ देर की सेव नहीं रहती है। तो उसकी वजह ये होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने मोशन रिकॉर्ड पे सेटिंग सेट करके भेजी हुई है। मतलब अगर कैमरे के आगे कोई मूवमेंट होगी तब ही मेमोरी कार्ड रिकॉर्ड करेगा, अगर कैमरे के आगे मूवमेंट नहीं होगी तो मेमोरी कार्ड रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब आपको मैं ये 3-डॉट मेन्यू पे क्लिक करके आगे सेटिंग में लेके चलता हूँ। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो कैमरे की जो इंटरनल सेटिंग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप इसका नेटवर्क चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, डिवाइस टाइम सेट कर सकते हैं, फर्मवेयर वर्जन अगर कोई आया होगा तो वो भी यहीं से अपडेट होगा। अलार्म सेटिंग है, रिकॉर्डिंग सेटिंग है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाते हैं। मैंने इसमें एसडी कार्ड लगाया है आपके सामने, 64 GB रिमेनिंग स्टोरेज 5% शो कर रहा है क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी डाटा था। अब आप देखेंगे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट रिकॉर्डिंग ऑन है। इवेंट रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जब कैमरे के आगे कोई मूवमेंट होगी तब ही ये रिकॉर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, इवेंट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देनी है और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। अब कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन करने का क्या फ़ायदा होगा कि हर वक्त मूव रिकॉर्ड करता रहेगा। अब हमने बैक का बटन दबाना है और इसके बाद हम मेमोरी कार्ड में जाके इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, आपको मैं रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ। इस वक्त मैंने कैमरा डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो जब आप कैमरा डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और मेमोरी कार्ड लगाया होगा तो 10 मिनट पहले का आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएगा। समटाइम्स ये होता है कस्टमर मेमोरी कार्ड डाल के
फ़ौरन रिकॉर्डिंग चेक करता है वो उसको शो नहीं होती। तो डायरेक्ट कनेक्ट करने में बग़ैर इंटरनेट के आप 10 मिनट पुराना क्लिप देख सकते हैं, उससे अर्ली नहीं देख सकते। अगर आपने उसे अर्ली देखना है तो फिर 2 से 3 मिनट पुराना प्लेबैक भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैमरे को आपको वाईफाई से पेयर करना पड़ेगा। और एक सेकंड सेटिंग आपने इसमें और करनी है जब आप कैमरे को डायरेक्ट चला रहे हो। डायरेक्ट का मतलब है कैमरा और मोबाइल इस वक्त आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंटरनेट बीच में शामिल नहीं है। वो ये करना है कि आपने डिवाइस टाइम सेट करना है जो कि मैन्युअली कैलिब्रेट करना पड़ता है। इंटरनेट से कनेक्ट करने से तो ये होता है ना, वो इंटरनेट से टाइम ले लेता है, लेकिन जो कि आप मैन्युअली कनेक्ट किया हुआ है तो फिर टाइम भी आपको मैन्युअली ही अपडेट करना पड़ेगा। डिवाइस टाइम में जाके आपको ये नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, इनकरेक्ट ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन, मैनुअल कैलिब्रेशन पे क्लिक करें। मैनुअल कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको डिवाइस टाइम शो कर देगा कि ये टाइम है, ये डेट है, और इसको कंफर्म कर दें। ये कंफर्म करने के बाद ही आप रिकॉर्डिंग देख सकेंगे, वरना रिकॉर्डिंग आपको ये प्लेबैक में शो नहीं करेगा। अब चलिए हम प्ले पे क्लिक करके प्लेबैक में जा कर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये मैं रीप्ले पे क्लिक करूँगा तो उम्मीद है मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको ऑन किए हुए, तो अब यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड पे क्लिक करने से रिकॉर्डिंग दिखाएगा। इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन क्लाउड रिकॉर्डिंग इसमें पे होती है, उसके लिए आपको पेपैल का अकाउंट चाहिए वरना नहीं होगा। तो मैं माइक्रो एसडी कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर के पैच बने हुए हैं ये रिकॉर्डिंग है। इस दौरान जो रिकॉर्डिंग हुई है वो मुझे दिखा रहा है। मैं नीचे से बाहर आगे पीछे करके रिकॉर्डिंग जो है वो आगे पीछे करके देख सकता हूँ। ये मुझे अब प्लेबैक दिखा रहा है, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ अगर कोई मैं चीज़ डाउनलोड करना चाहूँ। यहाँ से मैं वीडियो के दौरान अगर किसी चीज़ का स्नैपशॉट लेना तो उसका स्नैपशॉट ले सकता हूँ, और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन मोड में ले जा सकता हूँ। ये नीचे जो है ये आवर्स लिखे हुए हैं, ये नीचे वाली बार है 1 से लेकर 24 तक, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 आवर्स शो कर रहा है। ये है डेट इसकी, यहाँ से आप पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करके आप उसको बैक करें तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग शो कर देगा। तो ये तो हो गया जी, इसको कैमरे को मोबाइल से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करना है विदाउट इंटरनेट, मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग की सेटिंग कैसे करनी है, और प्लेबैक कैसे देखना है। अब अगला इसमें स्टेप है कि आपने कैमरे को इंटरनेट से कैसे पेयर करना है। इंटरनेट से पेयर करने के दो तरीके हैं, एक तो इसी में जो मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है इसी के थ्रू मैं इसको वाईफाई पे भी ले जा सकता हूँ। उसके लिए आपका कैमरे का वाईफाई से जो फासला है वो मैक्सिमम भी 30 फीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें जब आप पहली बार कैमरे को इंटरनेट से पेयर करने लगे हैं तो कैमरा और इंटरनेट जो है वो वाईफाई के पास हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसे इंटरनेट से कैसे पेयर करना है। ये गोल सर्कल का 3 डॉट मेन्यू है, उस पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद ये आपसे वाईफाई स्टेशन मोड की ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। नीचे फिर आपसे कहेगा कि आप अपना वाईफाई सेलेक्ट करें। सेलेक्ट वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके घर का वाईफाई होगा उसके सिग्नल यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ये ताहस गैलेक्सी S9 Plus है, मैंने इस वक्त अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है दूसरे मोबाइल का, और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा। सेव पे क्लिक करूँगा तो कैमरे में से पहले आवाज़ आएगी वाईफाई कनेक्टिंग, और ऊपर से जो कैमरे का अपना हॉटस्पॉट है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और वाईफाई पेयर कर देगा। ये प्रोसीजर 30 से 40 सेकेंड लेता है, 30 से 40 सेकेंड के अंदर ये वाईफाई से पेयर कर देता है। तो वाईफाई कनेक्टेड की आवाज़ आ गई जी, अब हमारा कैमरा इंटरनेट से पेयर हो चुका है। अभी कुछ सेकंड्स लेगा और उसके बाद हमने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद इस पर लाइन ऑनलाइन लिखा आ जाएगा, उसको आपने एक बार प्ले कर लेना, कहीं भी जाके लाइव देख सकते हैं। जो ऊपर मेरे गैलेक्सी S10 इंटरनेट के साथ पेयर, वाईफाई के साथ पेयर है ये, और तो मैं कहीं भी जाके लाइव देख सकता हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।